दोस्तों, अगर आपको भी सीएसके और गुजरात टाइटंस का पहला मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज हो चुका है और दोस्तों आईपीएल के 16वें सीजन में गुजरात टाइटंस ने सीएसके को 5 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांडे ने पहली ही मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। चेन्नई सुपर किंग ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना दिया। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाकर पहले मैच में जीत हासिल की। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुजरात टाइटंस ने 2 पॉइंट भी अपने नाम कर दिया है। पहला है राशिद खान को, जिन्होंने 3 बॉल पर 10 रन बनाए और साथ ही साथ 2 विकेट अपने नाम किया, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। वहीं शुभमन गिल ने 36 गेंदों में महज 63 रन बनाकर गुजरात टाइटंस को जीत दिलाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं अब उन खिलाड़ी की बात करते हैं जिसने गुजरात टाइटंस के पहले मैच में अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों, विजय शंकर ने 21 गेंदों पर 27 रन बनाए, रिद्धिमान साहा ने 21 गेंदों पर 25 रन बनाए, साई सुदर्शन ने 17 गेंद पर 22 रन बनाए, वहीं हार्दिक पांडे ने 8 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल तेवतिया ने 14 गेंदों पर 15 रन बनाए, राशिद खान ने 3 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं दोस्तों, चेन्नई के लिए राजवर्धन हैंगेकर ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और वहीं रविंद्र जडेजा और तुषार देश पांडे ने 1-1 विकेट लिया है। तो वहीं अगर सबसे ज्यादा रनों की बात करें तो चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन रविंद्र जडेजा ने 92 रन बनाया। उनके अलावा मोइन अली ने 23 रन की पारी खेली और धोनी ने 7 बॉल पर 14 रन बनाए। और दोस्तों, धोनी ने आखिरी ओवर में 1 चौके और 1 छक्का भी लगा, वहीं टीम का स्कोर सम्मानजनक 178 रन 7 विकेट पर कर दिया। दोस्तों, गुजरात के लिए राशिद खान, मोहम्मद शमी और अलसारी जोसेफ ने 2-2 विकेट लिए, वहीं जोशुआ लिटिल ने 1 विकेट लिया। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि विजय शंकर के रूप में गुजरात टाइटंस को 5वां झटका लगा। उन्होंने 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर राजवर्धन ने आउट किया। विजय हजारे ने 21 गेंद पर 27 रन बनाकर मिचेल सेंटर ने इनका कैच पकड़ा था। गुजरात को जीतने के लिए 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। शुभमन गिल को तुषार देश पांडे ने 15वें ओवर के आखिरी गेंद पर आउट कर दिया। वहीं तुषार देश पांडे को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतारा गया। उन्होंने शुभमन गिल के 36 गेंदों में 63 रन बनाकर उन्हें 15वें ओवर के आखिरी गेंद में आउट किया था। इसमें शुभमन गिल ने 6 चौके और 3 छक्के लगाया था। गुजरात ने 16वें ओवर में 145 रन बना चुके थे और दोस्तों हार्दिक पांडे का 11वें ओवर में आउट हो गए। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने 11वें ओवर के पहली बॉल पर हार्दिक पांडे को आउट कर दिया। हार्दिक पांडे ने 11 गेंद पर 8 रन बनाए। गुजरात टाइटंस ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए थे। शुभमन गिल 51 रन और विजय शंकर ने 3 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वही रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में अपना कोटा पूरा किया। उन्होंने 28 रन देकर 1 विकेट झटका था। तो दोस्तों, ये थी पहली मैच की पूरी हाईलाइट। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि सीएसके और गुजरात टाइटंस का अगला मैच कब होगा और क्या दूसरा मैच गुजरात टाइटंस जीत पाएगी या नहीं, ये भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।